हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्रुति साइकोलॉजी वर्ल्ड। हम मोटिवेशन चैप्टर कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? इफ़ एन इंडिविजुअल इज़ ड्रिवन, और यू कैन से इफ द एक्टिविटी इज़ डिज़ायर्ड, अगर आप कोई काम करते हो, आपको ये काम की तरफ बढ़ते हो, क्यों इसलिए बढ़ते हो? बिकॉज दैट एक्टिविटी इज़ रिवॉर्डिंग इन एंड ऑफ देमसेल्स। आप इसलिए वो काम करते हो क्योंकि वो काम करना आपको बहुत, वो आपको एक प्लेजर देता है, वो काम आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, आप उस काम को बहुत इन्जॉय करते हो। आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर कोई आप ये काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इससे आपको कोई बेनिफिट मिलेगा। देर इज़ नो बेनिफिशियल आउटकम, नो एक्सटर्नल प्रेशर, नो टेंजिबल रिवॉर्ड। उसके लिए, उस काम को करने के लिए आपको पैसा नहीं मिल रहा, उस काम को करने के लिए आपको मनी, पैसा, फेम वगैरह ऐसे कोई चीज़ नहीं मिल रही, कोई टेंजिबल रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, पर फिर भी आप वो काम कर रहे हो। इट मीन्स यू आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड क्योंकि आप वो काम करना चाहते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आप गिटार सीखते हो, उस गिटार को सीखने से आपको आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो गिटार सीखने के लिए, क्योंकि वो गिटार सीखने से, गिटार आपका बचपन का शौक था, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस आप नहीं सीख पाए, तो अब वो टाइम आया है, अब आपके पास टाइम है अपनी इस हॉबी को परस्यू करने का। आप गिटार क्लासेस में जाते हो, म्यूजिक क्लास में जाते हो, ये वाला इंस्ट्रूमेंट सीखते हो, और आपको लगता है उस समय आपको ऐसा फील होता है कि मैं इसको बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके सब्जेक्टिव वेलबींग के लिए, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए आप ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो दिस इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन बिकॉज देर इज़ नो एक्सटर्नल प्रेशर। आप इसलिए नहीं सीख रहे कि आपको किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है और वहाँ पर ये बजाना है, ये इंस्ट्रूमेंट आपको बजा कर दिखाना है। ऐसा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई आपको इसके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है सीखने के लिए, इसके कोई बेनिफिशियल आउटकम्स नहीं हैं। आप क्यों कर रहे हो? बिकॉज आप इसको बहुत इंजॉय करते हो, राइट? तो दिस इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये लॉन्ग लास्टिंग है, जो आपकी से आपकी जो आपके जो शौक हैं, आपकी जो जो चीज़ आप करना चाहते हो, जिन चीज़ को करने से आपको खुशी मिलती है, वो हमेशा रहते हैं, दे आर लॉन्ग लास्टिंग, राइट? सो दे आर सेल्फ सस्टेनिंग, यानी कि आपके ये मेंटेन रहते हैं, ये मोटिवेशन आपके अंदर मेंटेन रहती है। ये नहीं कि कल तक मुझे ये चीज़ अच्छी लगती थी, ये काम करना अच्छा लगता था, आज ये काम मुझे करना अच्छा नहीं लगता, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर पेंटिंग करने से मुझे खुशी मिलती है, मुझे डांस करने से खुशी मिलती है, मुझे किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने से खुशी मिलती है, तो वह हमेशा मेरे लिए रहेगी। सो इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग और ये सेल्फ सस्टेनिंग, ये हमेशा रहेगी एंड इट इज़ सेटिस्फाइंग। सो दिस इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, राइट? देन इज योर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? यू आर ड्रिवन बाय एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। टेंजिबल रिवॉर्ड आपको मिल रहा है ये काम करने से, आपको इस ये काम करने से यू आर अर्निंग मनी, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है ये काम करने से, आपको सोशल, आप ये काम इसलिए कर रहे हो, कोई काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि उससे आपको एक्सेप्टेंस मिलती है, आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, आपको एक्नॉलेज किया जा रहा है, आपको फेम मिल रही है, आपको पैसा मिल रहा है, या आप ये काम इसलिए कर रहे हो बिकॉज ऑफ सम थ्रेट कि आपको ये पनिश, कोई किसी पनिशमेंट से बचने के लिए या किसी पेन से बचने के लिए आपको कोई काम करना पड़ रहा है। सो इट इज़ नॉट दैट सेटिस्फाइंग, इट इज़ नॉट दैट यू नो, आप ये किसी अपने इंजॉयमेंट के लिए, इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं कर रहे, यू आर एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू डू दिस। आप कोई जॉब कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, वो जॉब आपको इसलिए करनी है क्योंकि यू हैव टू अर्न योर लाइवलीहुड, यू हैव टू अर्न योर ब्रेड एंड बटर, इसलिए आप वो काम कर रहे हो, पर उस काम को करने से आपको कोई खुशी नहीं मिलती, आप सिर्फ काम पर इसलिए जाते हो कि एट द एंड ऑफ द मंथ मेरे हाथ में इतने पैसे आएंगे जिससे मैं अपना घर चला सकता हूँ। तो दैट इज़ योर, यू आर एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड फॉर योर जॉब, राइट? कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके आप बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है, कई बार क्या होता है कि किसी काम के लिए आपके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी होती है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स, सपोज एक प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है, उसको फुटबॉल खेलने के इंट्रिंसिक मोटिवेटेड भी है फुटबॉल खेलने के लिए, और एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड भी है। इंट्रेंसिक मीन्स उसको जब वो गेम में जाता है, जब भी वो ग्राउंड में जाता है तो उसको इतना अच्छा लगता है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसको टाइम का पता ही नहीं चलता, वो उसके लिए बहुत रिवॉर्डिंग है, इंट्रेंसिकली मोटिवेटेड है,
ही जस्ट वॉन्ट टू लर्न दैट स्किल, ही वॉन्ट टू मास्टर द स्किल, बट एट द सेम टाइम वो ये भी चाहता है कि बिकॉज ऑफ दिस गेम मुझे रिकग्निशन मिले, मुझे पहचाना जाए, मैं इसको अपना करियर बनाऊँ, प्रोफेशन बनाऊँ और इससे इससे आई कैन अर्न बाई प्लेइंग फुटबॉल फॉर माई कंट्री, राइट? वो इंट्रेंसिकली मोटिवेटेड भी है, एक्सट्रेंसिकली मोटिवेटेड भी है, पर ज़्यादातर केस में ऐसे होता है कि वन पर्टिकुलर मोटिवेशन आउटवे द अदर, एक का ज़्यादा रोल होता है, दूसरे का कम होता है, राइट? तो आप भी सोचो, इंट्रेंसिक मोटिवेशन एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन को पढ़ने के बाद आप भी सोचो कि आप किन कामों को करने के लिए यू आर इंट्रेंसिकली मोटिवेटेड और किस काम के लिए आप एक्सट्रेंसिकली मोटिवेटेड हो। इंट्रेंसिक मोटिवेशन के बारे में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप आज ज़रूर सोचिए। अगर आपको लगता है कि कोई काम ऐसा है जो आप करना चाहते हो पर आप नहीं कर पा रहे, गो फॉर दैट। वो क्रिएटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ। आप अपनी क्रिएटिविटी, अपने आर्ट को, जो आप लेजर टाइम में जो चीज़ें आपको करना पसंद है उनको मत रोकिए। कीप ऑन डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स फॉर योर सेल्फ बिकॉज दे आर रिवॉर्डिंग, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। कीप वॉचिंग श्रुति साइकोलॉजी वर्ल्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ मोटिवेशन, बायोलॉजिकल कॉजेज एंड साइको सोशल कॉजेज। स्टे ट्यून्ड।